आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.7। इसका आप रिवीजन करते हैं, पेज नंबर 30 और 31 पे है, तो आप फोर्थ में मैथ्स के सब्जेक्ट है। देखिए दिया एस्टीमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट टू द नंबर नियरेस्ट टू द 100 की नियरेस्ट करके उसको डिफरेंस मालूम करना है हमें और एक्चुअल डिफरेंस भी मालूम करना है। तो आइए देखते हैं, पहले फर्स्ट का ये 23,355 ऐसे हमें क्या है सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखने माइनस एक्चुअल डिफरेंस वन फोर 235। ये करिए आप 5-5 यर 0, 5-3 यर 2, 3-2 यर 1, 13-4 यर 9। ये आ गया आपका एक्चुअल डिफरेंस। एस्टिमेटेड डिफरेंस देखिए यहाँ पे लिखेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ डिफरेंस लिखेंगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस नियरेस्ट 100 करना है, एस्टिमेट इसको करना है नियरेस्ट 100। तो हम टेंथ डिजिट को देखेंगे, टेंथ डिजिट क्या है 5 है, तो 100 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3, 4 और ये सब यहाँ पे हो जाएंगे 0, 0। यहाँ पे देखिए 100 डिजिट है 3 लेस देन 5 है, तो ये 142 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे डबल अरे माइनस कर दीजिए 0, 0 और माइनस 2 या 2, 13-4, 9 ये आपका एस्टिमेटेड सम वैल्यू आ गया डिफरेंस। आइए सेकेंड का एक देख लेते हैं, इसको नियरेस्ट 1000 करना है, नियरेस्ट 1000 सेकेंड का ए एक्चुअल डिफरेंस 24,353 माइनस 13,244 माइनस 13,244। नाउ लेट्स सी एक्चुअल डिफरेंस, 13 माइनस 4 ईयर 9, ईयर 4-4 0 एंड 3-2 ईयर 1, 4-3 ईयर 1, 2-1 ईयर 1। ये आपका एक्चुअल डिफरेंस है, एस्टिमेटेड डिफरेंस देखिए नियरेस्ट 1000 करना है, तो पहले हम 100 डिजिट को चेक करेंगे, ये क्या है 3 जो है 5 से कम है यानी कि लेस देन 5, तो आपका ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और ये नंबर वैसे ही लिख दिया जाएगा। अगर ये 5 होता है 5 से ज्यादा होता है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाता है और बाकी ये सब 0। यहाँ पे देखिए ये भी 5 से कम है 100 डिजिट, तो ये पूरा आपका 100 पूरा डिजिट जो है 0 हो जाएगा और ये 13 कि नियरेस्ट 1000 करना है, एस्टीमेट को माइनस कर दीजिए 0-0 4-3 1 ईयर 1, ये आपका एस्टीमेटेड डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब हैं, उसमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं, तो आप लोग ये नोट कर लीजिए होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज
2.7 जिसमें नियरेस्ट 100 कह रहा है, उसमें नियरेस्ट 100 करके आप सॉल्व करिएगा, जिसमें नियरेस्ट 1000 है उसमें नियरेस्ट 1000 करके सॉल्व करिएगा, बाकी देख लीजिएगा। नियरेस्ट 100 करना है तो 10th डिजिट को चेक करते हैं, नियरेस्ट 1000 करना है 100 डिजिट को चेक करते हैं, नियरेस्ट 10th करना है तो 1000 डिजिट को चेक करते हैं। अगर 5 से कम है तो वहां पे नंबर में कोई चेंज ही नहीं होता, अगर 5 या 5 से ज्यादा